कड़ी टक्कर में उतरेंगे सैफ और ऋतिक। विक्रम वेधा में यह तीन खास बातें जो करेगी दर्शकों को एक्साइटेड। लंबे समय से ऋतिक रोशन की अब तक की कोई भी फिल्में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अब सिनेमाघरों में ऋतिक जिस फिल्म को लेकर आने वाले हैं उससे एक नया माहौल सजने वाला है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म विक्रम वेधा का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान इंटरेस्टिंग किरदार निभाने वाले हैं। यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर होने वाली है, लेकिन आज के इस खबर में हम आपको फिल्म से जुड़ी ऐसी तीन खास बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद फिल्म को लेकर आपकी एक्साइटमेंट दो गुना बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं फिल्म की इन तीन खास बातों को। नंबर वन, पहली बार एक हीरो की शक्ल में बनेंगे ऋतिक विलन। अब तक की रिलीज फिल्मों में हमने ऋतिक रोशन का एक हीरो वाला ही कैरेक्टर देखा है, लेकिन ये पहली बार होगा जब विक्रम वेधा में ऋतिक हीरो से हटकर एक विलेन की भूमिका निभाएंगे। वैसे भी फिल्म से ऋतिक रोशन का बियर्ड वाला लुक भी सामने आ चुका है। बस इसे देखकर ही लोग इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विलेन के किरदार में किस हद तक ऋतिक देखने को मिलने वाले हैं, और अब तो यह विलेन की विलेनगिरी फिल्म के रिलीज के बाद ही मालूम पड़ेगी। ऋतिक रोशन को पहली बार फिल्म में विलेन की भूमिका में देखना सबके लिए खास होगा। नंबर टू, पहली बार ऋतिक और सैफ की देखने को मिलेगी कड़ी टक्कर। अब तक तो आपने जान लिया है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक विलेन की भूमिका में नजर आने वाले हैं, लेकिन अब आप यह भी जान लीजिए कि इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में सैफ अली खान नजर आने वाले हैं। खास बात तो यह है कि फिल्म में विलन और हीरो दोनों ही एक ही टक्कर के होने वाले हैं। इस फिल्म में यह दोनों ही मेंटली एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे, और यह पहली बार होगा जब सैफ अली खान ऋतिक रोशन के साथ एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। नंबर थ्री, विक्रम वेधा होगी तमिल की ही सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा का रिमेक। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विक्रम वेधा 2017 में रिलीज हुई विजय सेतुपति और आर माधवन की इसी नाम की रीमेक होने वाली है। 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में विजय सेतुपति विलेन की भूमिका में नजर आए थे, तो वहीं आर माधवन एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में देखने को मिले थे। और इसी तरह की नई रीमेक बॉलीवुड में फिर एक बार आ रही है, और वह भी ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ। अगर दोस्तों अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो आपके लिए ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ आ रही इसी फिल्म के रीमेक को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये खबर, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।